Assalamu alaikum, namaste, and a warm welcome to you all. Mera naam Huda hai. Welcome to Undiluted Diaries. Aur aaj Undiluted Diaries mein hum ja rahe hain Kruja, the birthplace of Skander Berat. लेकर चल रहे हैं हम आपको क्रूया के मेन बाज़ार की तरफ. अभी मेन बाज़ार के बारे में बहुत अच्छी रिव्यू सुने थे, लेकिन जितने भी लोगों ने कहा था उन्हें यही कहा था कि क्योंकि वहाँ पे सुपर एक्सपेंसिव चीज़ें भेजते हैं तो उसको अवॉइड कर दीजिएगा. बनस्बत उसके आप नीचे जाइए और आपको नीचे काफ़ी अच्छी प्राइस में चीज़ें मिलेंगी. बहुत ठंड है यहाँ पर. क्रूया के इस बाज़ार में आपको काफ़ी चीज़ें जो अल्बेनिया से रिलेटेड है वो नज़र आएंगी. इसमें हो गया कारपेट्स, रग्स, उनके एथनिक ड्रेसेस, टोपी, जूते, किचन में जो इस्तेमाल किया हुआ कुछ यूटेंसिल्स हैं वो आपको मिलेंगे. दिस बाज़ार लीड्स यू टूवर्ड्स द क्रूया कैसल जो अभी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे. एक जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे बेगर्स आपको काफ़ी मिलेंगे. ऑल्दो दे आर हार्मलेस, लेकिन अगर आपने एक दफ़ा उनको दे दिया है तो प्रोबेबली आफ्टर हाफ एन आवर दे माइट कम बैक टू यू अगेन. एंड नाउ वी आर अबाउट टू एंटर द क्रूया कैसल. और यहाँ पे अंदर एंटर होने से पहले इतनी कॉबल्ड जगह होती है ये, वहाँ पे प्राइम को चलाना तो बहुत नामुमकिन सा काम है. एनीवे इस दौरान क्योंकि हम लोग चढ़ाई पे थे और मेरे माइग्रेन ने कहा कि चलो क्यों नहीं अब हम लोगों भी ऑन हो जाते हैं. सो बिकॉज ऑफ माइग्रेन मैं जितना एक्सप्लोर करना चाहती थी क्रूया का ये एरिया मैंने उतना नहीं किया, पर जितना भी किया इट वॉज वर्थ इट. म्यूजियम इज स्कंदर बर्ट समथिंग म्यूजियम, अंदर की तरफ 5 बजे तक खुला रहता है. आई डिड नॉट वांट टू गो इन म्यूजियम, सच्ची बोलो इस दफ़ा जस्ट वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस द नेचर. और ये जैसे सूरज हल्का सा ढल रहा है, मेरा जो सर का दर्द है जो इतनी देर से वो कुछ कम हो रहा है तो yeah. क्रूया जो है ये तुराना से अराउंड 30 मिनट्स की दूरी में है, लेकिन अगर आपको रश मिलता है तो वो 30 मिनट्स आपका एक घंटा हो जाता है. और अब हम जा रहे हैं क्रूया कैसल के अंदर, एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे खाना खाने के लिए. ऑनेस्टली हम लोगों ने जो खाना खाया था इट केम आफ्टर क्वाइट अ व्हाइल, लेकिन हमें ट्रेडिशनल अल्बेनियन फूड खाने का मौका मिला. ये जो आप देख रहे हैं ये है पाए, ये है स्पिनच कबाब विद सम कॉर्न ब्रेड, एंड देन दिस इज समथिंग काइंड ऑफ बुरेक विद गार्लिक ब्रेड. सुबह उठे आप लोग और ये नज़ारा आपके सामने, क्या बात है ये फोटो. जी बेटे, हाँ मेरी बेटी देखो, हाँ हाँ ले लिया फोटो मैंने, ले लिया चलो. इसके बाद हम लोग पहुंचे एक बेकरी जहाँ पे बैठ के हमने थोड़ी सी कॉफ़ी भी पी, और यहाँ पे जो कॉफ़ी होती है वो टर्किश कॉफ़ी बेची जाती है. यहाँ पे कोई अल्बेनियन कॉफ़ी करके कुछ नहीं है, यहाँ पे अल्बेनियन टी करके है. एंड ऑफ कोर्स जब आप लोगों को पेस्ट्रीज देखते हैं तो टेम्प्ट तो ज़रूर होते हैं. मैं टेम्प्ट हो गई थी, दैट्स व्हाई आई टुक फ्यू पेस्ट्रीज अलोंग. द बेकरी जहाँ से हमने लिए हैं और ये एंजॉय द केक, लवली. हमने मैंने ये दो चीज़ें ली हैं और इसके साथ एक्लेयर्स लिए. अभी हो रहे हैं 4:27 और बाहर देखें अंधेरा होने वाला है, यानी कि 4:30 को मैंने कभी भी अंधेरा नहीं देखा,
ये शायद मैंने पहले भी बोल दिया, लेकिन मुझे हर वक्त ये चीज फैसिनेट कर रही है, पता नहीं क्यों। And now we are heading towards Berat, जो क्रूया से अराउंड 2 घंटे की दूरी में है, और बिल्कुल भी कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी। कहीं ना कहीं तो ऐसा वक्त आ रहा था कि काफ़ी खौफ आ रहा था चलते हुए यहाँ पे, लेकिन खैर से पहुँच ही गए। हाँ, फिलहाल हम पहुँच गए हैं, और ये गाड़ी रेंट अ कार की है, और बस सभी सामान लेके होटल इस तरफ है हमारा, और वो है बरात का पूरा मेन अट्रैक्शन जा रही है, और ये है होटल जबरदस्त। ऊपर जाना चले। ये है आउटर साइड ऑफ द होटल, और ये आप अंदर आते हो देख लें, मैं आपको जरा दिखा दूँ।